पाठ के माध्यम से कंप्यूटर जगत में आप सबका स्वागत कराया, इसके क्षेत्र के बारे में बताया कि ये कितने विस्तार, कितनी बड़ी क्षेत्र में ये फैला हुआ है और साथ ही साथ इसके प्रमुख अंगों की जानकारी दी। इसके प्रमुख अंगों से हमें क्या क्या चीज की प्राप्ति होती है, किस तरह से लाभ मिलता है, सबका हमें ज्ञान हुआ ना बच्चों। आज भाग तीन में, कंप्यूटर पाठ के भाग तीन में मैं इसका जन्म किस ईस्वी में, किस सन में हुआ, कहाँ हुआ और इसको बनाने वाले का क्या नाम है, उसके टीम का क्या सहयोग मिला, इन सब की जानकारी देने जा रही हूँ। बच्चों, सन 1944 में अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसका जन्म हुआ, इसको बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसके बनाने के सही उसमें प्रोफेसर हार्वर्ड एकिन तथा उनकी टीम का पूरा सहयोग था। केवल यही नहीं बल्कि इनके साथ ही साथ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन का भी पूरा टीम इनका सहयोग करे थे। तो सन 1944 में अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसका जन्म हुआ, इसको बनाया गया और हार्वर्ड एकिन तथा उनकी टीम और उसके साथ साथ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन का भी सहयोग था, इसलिए इसका नाम हार्वर्ड IBM रखा गया है। शॉर्ट फॉर्म इसका हार्वर्ड IBM भी कहा जाता है, रखा गया है। बच्चों, इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, जिस तरह से ये हमारे और आपके जीवन में जितना ही उपयोगी है, जितना महत्वपूर्ण है, कुछ लोग तो इसके बिना कोई काम ही नहीं कर पाते, उसी तरह से ये भी मांगता है कि आप इसके सामने जब बैठ के कुछ भी काम करें तो हाथ को साफ रखें, हाथ धो करके पोछ करके बैठे और ये जिस कमरे में, जिस कक्षा में रखा गया है, उस कमरे या स्कूल के कक्षा में अंदर जाने के समय आप अपने पैरों के जूते चप्पल बाहर रख कर जाएं और इसके सामने बैठ के खाना भी ये पसंद नहीं करता है। तो इस तरह से छोटी सावधानियों से हम इसका साथ लंबे समय तक दे सकते हैं। और ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि बंद कमरे में या किसी कक्षा में हम इसे अकेला रख देंगे और इसके सामने अगर हम और आप नहीं बैठ करके अपने प्रश्नों को डालेंगे तो ये अधूरा है। तो ये भी मानता है, ये जिस तरह से ये हमारे जीवन में उपयोगी है, इसके सामने हमारा या आपका बैठना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, तभी ये मशीन काम कर सकता है। तो बच्चों, एक बार मैं फिर से आपसे बोलना चाहती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बिजली का यंत्र, कंप्यूटर का हम सबको सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर पल में ला कर के सामने रखता है और साथ ही साथ आज का जो युग है, किस कौन सा युग कहलाता है बच्चों, पहले भी मैंने बताया है, कंप्यूटर इसका सही रूप से अच्छे से इसका उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। साथ ही साथ मैंने इस पाठ को आपको बताया, अब मैं व्हाट्सएप के माध्यम से इस पाठ का शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर सब लिख करके आपके पास भेजूंगी, उसको ध्यान से आपको पढ़ना है और याद करना है। धन्यवाद।